हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 चेस्ट की प्रिंसेस कट ब्लाउज की, थ्री पीस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग बताएंगे। उसका मेजरमेंट है, चेस्ट है 36 इंच, शोल्डर है 6 इंच, लेंथ है 14.5 इंच, आर्म होल है 6 इंच, फ्रंट नेक है 5.5 इंच, बैक नेक है 9 इंच, स्लीव की लेंथ है 5 इंच और स्लीव फिटिंग है 6 इंच। अब हम इसकी पेपर कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम 36 का 1/4 लेंगे, 9 इंच, 9 इंच में हम 2 इंच मिलाएंगे, ग्यारह इंच। उसकी लेंथ है 14.5 इंच, 14.5 में हम 1 इंच मिलाएंगे, क्योंकि अस्तर वाला है इसलिए हम 1 इंच मिलाएंगे, 14.5, 15.5। इस तरह से हम इसका चौकोन तैयार करेंगे। अब हम गले की विड्थ लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच में हम निशान लगाएंगे और शोल्डर है 5.6 इंच। आगे का गला है 5.5, हम उसमें 1/2 इंच मिलाएंगे, 6 इंच। इसका हम चौकोन करेंगे। इस तरह से आर्म होल 6 इंच, उसका भी हम चौकन करेंगे। यहाँ से शोल्डर उतार देंगे, ये ऑप्शनल है, आपको देना चाहे दे सकते, नहीं दे सकते। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 पे निशान लगाएंगे और बैक के लिए 2 पे, उसको हम शेप देंगे। गले को भी शेप देंगे। अब हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे यहाँ से 3 इंच की और यहाँ से 2 इंच की, इसको हम शेप देंगे। इस तरह शेप देने के बाद हम जो हमारा शोल्डर है इसका 3.25 इंच निकलता, अब हम इसका सेंटर निकालेंगे, 3.25 इंच का हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह से सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे आएगा 1.5 इंच एक पॉइंट पे। अब हम इसको सीधा नीचे की ओर एक हल्की सी लाइन देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर लेंगे टक्स के लिए और ये साइड से जो हमने 2.5 इंच ऊपर लिया उसके साइड से 1.5 इंच साइड में लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे हम, ये जो आर्म होल है यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और जो हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया उसको हम इस तरह से शेप देंगे।
इस तरह से उसको शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड को साइड में रख देंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। क्रॉस पट्टी निकालेंगे। अब हम इसको दूसरे पेपर पर रख के इसकी साइड बढ़ाएंगे। एक पेपर लेंगे, उसके यहाँ एक साइड से कोने पे 1.5 इंच फिनिशन लगाएंगे, जो कि हमने 1.5 इंच फिनिशन लगाया था स्टक्स के लिए, इसलिए हम यहाँ 1.5 इंच लेंगे। अगर 1.25 इंच लगाएंगे तो 1.25 इंच यहाँ लेंगे, या 1 इंच लेंगे तो 1 इंच पे ही निशान लगाएंगे, लेकिन हमने 1.5 इंच लिया इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। और जो हमारी कटिंग है, जो हमने ऐसे 1.5 इंच का क्रॉस टक्स के लिए नीचे ये किया था, हम उसके ऑपोजिट साइड से इसको इस तरह से रखेंगे। ऑपोजिट साइड हम इसको बढ़ाएंगे और हम इसको अभी ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारी पेपर कटिंग है सेम वैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से अब हम इसको कट करेंगे। इसको भी हम जहाँ से हमने ये टक्स लिया है उसके ऑपोजिट साइड से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। पेपर के हम एक साइड को एक कोने में 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और उसको इस तरह से तिरछा रखेंगे। तिरछा रखने के बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हम इसके कट करेंगे।
इस तरह से ये पेपर कटिंग तैयार है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। आर्म होले 1.5 इंच, उसमें हम 2 इंच मिलाए 1.5 इंच, और स्लीव की लेंथ है 5 इंच, उसमें हमने 1 इंच मिलाए 6 इंच। इस तरह से हमने चौकन में काटा है, डबल फोल्ड है। अब हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे नीचे, और यहाँ से 1 इंच। इस तरह से अब हम इसको एक तिरछी लाइन देंगे, दोनों पॉइंट से मिलाएंगे। अब इसको शेप देंगे। फिटिंग है 6 इंच बाजू फिटिंग, और उसमें 1 इंच मिलाएंगे, 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसको दोनों को जोड़ेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको पहले बैक साइड का हम आर्म होल को कट करेंगे, और इसे एक पेज उठा के फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। सिलाई में जाएंगे इतना। इस तरह से स्लीव तैयार है। इस तरह से 36 इंच चेस्ट की 3 पीस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।